कश्मीर फाइल्स को लेकर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अरविंद केजरीवाल फिल्म को झूठ बता रहे हैं, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, तो बीजेपी केजरीवाल के बयान को कश्मीरी पंडितों के दर्द का मजाक बता रही है। केजरीवाल कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास को लेकर बीजेपी से सवाल दागते हैं, तो बीजेपी कश्मीरी पंडितों पर केजरीवाल के दावे को झूठा बताती है। हम आपको दिखाएंगे आंकड़े, ये फिल्म कितनी कमाई कर रही है, क्या है वो फैक्ट शीट। 1990 के उस कश्मीरी पंडितों के दर्द पर हर पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है, लेकिन क्या है उसका सच, आंकड़ों के जरिए आज हम बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि आज डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ, राष्ट्र प्रवक्ता और नेता भारतीय जनता पार्टी के होंगे, संजय सिंह सांसद और नेता आम आदमी पार्टी के आमने सामने टक्कर में होंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। कश्मीर चल रहा है, खुले आम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। द कश्मीर फाइल्स पर सियासत का दी एंड अभी बाकी है। दिल्ली विधानसभा से शुरू हुआ मुख्यमंत्री केजरीवाल के बयान पर बवाल अभी थमा नहीं है, जो उन्होंने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने पर दिया था। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे YouTube पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो YouTube पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर, टैक्स फ्री की क्या जरूरत है। इस बयान की हंसी पर बीजेपी आक्रामक है, बीजेपी से विस्थापित कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाना बता रही है। दिल्ली विधानसभा में टैक्स फ्री करना है या नहीं, इस विषय को लेकर जब चर्चा हो रही थी, टैक्स फ्री करना नहीं करना ये प्रेरोगेटिव दिल्ली विधानसभा और अरविंद केजरीवाल जी का है, किंतु जीनोसाइड के ऊपर उसका मजाक बनाना, ठहाका मार के पूरा विधानसभा हंस रहा हो और जिस प्रकार का एक चित्रण पूरे विश्व के सामने और पूरे हिंदुस्तान के सामने गया है, वी ऑल हैव बीन शेम्ड। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सत्ता पाने की कोशिश में लगी बीजेपी के बीच द कश्मीर फाइल्स को लेकर तलवारें तनी हुई है। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के, और जो भी करना हो कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो, ये गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को यार, आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहां पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। ऐसी बात भी नहीं है अरविंद केजरीवाल जी की, आपने कभी किसी मूवी को टैक्स फ्री नहीं किया है। ये सांड की आंख से लेकर पीके मूवी और बैंग बैंग, इन सभी मूवी के लिए आपने खुद, यहां बहुत बड़ा फेरिस चल रहा है सोशल मीडिया में, जिसके लिए आपने खुद एडवर्टाइजमेंट किया है, पोस्टर चिपकाए, ये सोशल मीडिया के पोस्टर्स हैं अरविंद केजरीवाल के। अरविंद केजरीवाल जी ने न जाने कितने मूवीज के लिए पोस्टर चिपकाए और आज मजाक वो कश्मीरी हिंदुओं का बना रहे हैं। केजरीवाल पूछ रहे हैं कि 8 सालों से केंद्र की सत्ता में काबिज पार्टी ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया। इस सवाल के साथ दिल्ली के सीएम ये बताने से नहीं चूकते कि उन्होंने दिल्ली में ठेके पर काम कर रहे कश्मीरी पंडित शिक्षकों को रेगुलर कर दिया। लेकिन केजरीवाल के इस दावे पर बीजेपी ने कश्मीरी शिक्षकों के एसोसिएशन का हवाला देकर सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली में कुछ कश्मीरी पंडित जो आए थे उनको उन्होंने दिल्ली में 1993 में कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की नौकरी की, तब से लेके आज तक वो कच्चे टीचर्स बन के रह रहे थे। उन कच्चे टीचर्स को बीच में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार भी आई, बीजेपी की सरकार भी आई, किसी ने पक्का नहीं किया, हमने आके उनको पक्का किया। मई 18, 2015 सिंगल बेंच हाईकोर्ट की अपनी जजमेंट डिलीवर करती है और कहती है कि कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को, जो कश्मीरी हिंदू टीचर्स थे, उनको रेगुलराइज कर दिया जाए अपने सर्विस में। मगर उसी वर्ष 2015 में केजरीवाल जी की सरकार डबल बेंच के सामने इस पूरे जजमेंट को चैलेंज करती है कि नहीं, हम रेगुलराइज नहीं करना चाहते हैं। सोशल मीडिया के पोस्टर्स, बीजेपी ने केजरीवाल के दावों पर सवाल उठाए तो आम आदमी पार्टी ने डबल अटैक किया। भाजपा के नॉमिनी अनिल बैजल जी, जो दिल्ली के एलजी हैं, जिनके हाथ में टीचर्स की रिक्रूटमेंट, टीचर्स की प्रमोशन, टीचर्स की रेगुलराइजेशन, जो सारे सर्विसेज मैटर हैं, उन्होंने किस तरह ना सिर्फ कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स का साथ नहीं दिया, बल्कि खुल के उनके रेगुलराइजेशन का विरोध किया। गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन असली
का प्रेस रिलीज रख रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जो प्रेस रिलीज कर भारतीय जनता पार्टी वाले घुमा रहे हैं, जिसपे कई टीवी चैनलों ने बहस चला दी, वो नकली है। जिस आदमी ने वो प्रेस रिलीज दी वो नकली है, वो पूरा का पूरा लेटर हेड नकली है, सब कुछ नकली है। पंजाब की सत्ता में काबिज होने के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद है। पार्टी ने दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनाव पर नजर टिका ली है। ऐसे में द कश्मीर फाइल्स को लेकर बीजेपी के साथ सींग लड़ाना पार्टी का बड़ा दांव है। आज तक ब्यूरो।